हाय स्टूडेंट, वेलकम यार का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है, उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टें निकाली हैं और टोटल पोस्टें हैं 5,696 पोस्टें, जिनके बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पर आपको टिल द एंड इस वीडियो के बने रहना होगा। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एज क्या रहेगी, इसके अलावा एज में किन किन कैटेगरी में कितना कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इसके अलावा जो रहता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के एग्जाम रहेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस जितनी भी रहेगी वो सारी की सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं और इससे रिगार्डिंग अगर आपको तैयारी करनी तो आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो पोस्ट है जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से निकाली है और इसको कर रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो इसको कंडक्ट कर रहा है। और इसमें बात करूं, इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 20 जनवरी को जो है ये ओपन हो गए हैं फॉर्म फिलअप होना। आज 22 तारीख है, इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इससे रिलेटेड वीडियो आपने देखा भी होगा। तो फिर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप हिमाचल के कैंडिडेट तो आपको पता अभी हिमाचल में और कोई भी वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, पर आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। बात करते हैं इसकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट जो है वो है 19 फरवरी 2024 इसकी लास्ट जो फॉर्म फिलअप करने की डेट रखी गई है। इसमें बात करते हैं तो इसमें जो इनिशियल पे है वो 19,900 रुपये का एक बेसिक पे जो है बेसिक पे है। इसके अलावा अगर DAT है वो अलग से इंक्लूड हो रहेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी जो एज है वो 18 से 30 साल रखी गई है और आपकी जो एज है वो 1-7-2024 तक 30 साल से ऊपर के आप नहीं होने चाहिए, उससे नीचे के होने चाहिए, 18 से 30 के बीच में होने चाहिए। टोटल वैकेंसी जो है वो है 5,696 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। एज रिलैक्सेशन जो रखा गया है वो जैसे मैंने बताया था कि एज रिलैक्सेशन जो है आपका 1-7-2024 तक आप 18 से 30 के बीच में होने चाहिए। और सबसे पहले आते हैं SC ST, अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं जिसमें आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है तो अलग अलग, जैसे एक्स सर्विस मैन अनरिजर्व या EWS से आते हैं, एक्स सर्विस मैन OBC से आते हैं तो 6 साल का है, एक्स सर्विस मैन SC ST से आते हैं तो 8 ईयर्स का रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं। और अगर आपको ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी होगी हिंदी या इंग्लिश में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखे हैं हिंदी और इंग्लिश के, आप वहाँ से जाकर डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं बात करूँ इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म फिलअप जो होगा तो इसके आपको चार्जेस कितने देने होंगे, तो पे करना होगा आपको 500 रुपीज आपको पे करना होगा। किन को करना होगा, अगर आप जो आते हैं किसे, अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो उनके लिए। इसके अलावा अगर आप SC ST एक्स सर्विस मैन फीमेल ट्रांसजेंडर या फिर आप माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको 250 रुपये का जो है फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होगा, मतलब पे करने होंगे इसके लिए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आगे वाले, तो यहाँ पर जो है कौन कौन जो लोग हैं इसके जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है आप मेट्रिकुलेशन होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशली ये जो पोस्ट है वो ITI जिन्होंने कर रखी है या फिर डिप्लोमा या डिग्री जिन्होंने कर रखा टेक्निकल ट्रेड से, तो उनके लिए रहने वाला है। जिसमें सबसे पहले बात करूंगा, जैसे अगर आपने ITI फिटर से कर रखी है या फिर आपने इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मेल राइटिंग या फिर आपको मेंटेनेंस मैकेनिक या फिर मैकेनिक रेडियो एंड TV से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मशीन या फिर आर्मेचर या फिर कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, और या आप इसके अलावा रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इस हिसाब से अगर आपने कोई भी ITI से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है। इसके अलावा और भी है SSLC+ कोर्स कंप्लीट एक्ट के अनुसार भी अगर आपने यहाँ पे कोर्स कर रखा है। इसके अलावा अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स में तो तब भी आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्पेशली ITI वालों के लिए
ये पोस्ट निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि ITIL वालों के लिए बहुत कम पोस्ट निकलती है हिमाचल लेवल पे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। इसके अलावा और भी इसमें क्वालिफिकेशन है, अगर आप उनकी डिटेल भी जानकार लेना चाहते हैं, उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिफिकेशन डाल रखी है, वहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप उनमें से देख करके पढ़ करके आप जान सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं या फिर इसमें क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर ये जो है जोन वाइज जो वैकेंसीज डिटेल है, जोन वाइज जो है वैकेंसी रखी गई है। जैसे चंडीगढ़ के लेकर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ के आसपास से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ मेरे लिए एक जोन रहेगा, रेलवे का जो जोन है, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो वो 66 वैकेंसीज निकल करके आ रही है, राइट। इसी तरह से टोटल वैकेंसी हो 5,696 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं, सॉरी, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा आप तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम की जो डिटेल है किस तरह से पैटर्न रहने वाला है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सपोज अगर मानकर चलते हैं, सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, राइट। अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, सबसे पहले तो आपने फॉर्म फिलअप करना है, वो RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, राइट, उसके बाद जो आपका रहने वाला है दैट इज ओके, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, ओके, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात रहता तो यहाँ जो पेपर है वो दो तरह का होगा। फर्स्ट स्टेज में होगा CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जाम होने वाला, मतलब कंप्यूटर पर ही आपका एग्जाम होगा, राइट। इसके अलावा फिर स्टेज सेकंड है जिसमें आपका CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा ये, राइट। मतलब पहले वाला जो आपका क्वालिफाइंग है उसके बाद आप अगर उसको क्लियर करते हैं तो आप CBT 2 में जा सकते हैं। इसके अलावा इसी CBT 2 में Part 1 है, क्या है, Part 1 है जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहने वाला है, और क्या क्या रहेंगे वो सारी डिटेल मैं बताने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जो आपका ट्रेड जो आप फॉर्म फिलअप करोगे, जो ट्रेड आपने डाला होगा उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब आप इन तीनों लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका होगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, उसके बाद जाकर के आपको जो है जॉब मिलती है, राइट। तो चलिए हम 1x1 देखते हैं कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना होगा तो क्या क्या एग्जाम में CBT 1 में क्या रहने वाला है, CBT 2 में क्या रहने वाला है, क्या Part 1 है, क्या Part 2 है, वो सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज का जो पैटर्न है और सिलेबस जो है, फर्स्ट स्टेज का जो आपका, ओके, जस्ट गिव मी वन सेकंड, ओके। तो फर्स्ट स्टेज में जो आपका रहने वाला, जैसे मैंने बताया, ड्यूरेशन जो रहेगा इसका एग्जाम का वो 60 मिनट रहने वाला, 60 मिनट्स रहेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 75 रहने वाले हैं। मार्क्स भी जो है आपको 75 ही मिलेंगे, मतलब हर क्वेश्चन पर आपको एक नंबर मिलने वाला। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर देखिएगा ना, आपको नंबर तो एक मिलेगा, बट अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, तो आपका 1/3 जो है वो डिडक्ट भी हो जाएगा, 1/3 इसमें कट जाएगा, मतलब एक नंबर में से, ओके, 33.3 जो है आपके वो कट जाएंगे, आप बोलते हैं 0.3% जो आपके कट जाएंगे, ठीक है, ये है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, चलिएगा। तो अगला इसमें क्या रहता है कि CBT 1 जो आपका रहेगा, Stage 1 जो आपका एग्जाम रहने वाला है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहली बात तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, मैथमेटिक्स से 20 है और 20 इसके मार्क्स हैं, रीजनिंग से 25 मार्क्स होंगे और 25 इसके क्या मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जनरल साइंस के 20 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे और 20 इसके क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। और करंट अफेयर जो आपका जनरल अवेयरनेस, जो आपका करंट अभी चल रहा होगा, उसके बेस पर आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही क्वेश्चन जो है 10 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन जाते हैं और 75 भी आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। बट और ये आपको करना होगा 60 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर आपको करना होगा, और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका Stage 1 है, CBT 1 ये जो आपका एग्जाम है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप सेकंड स्टेज में इसको जैसे क्लियर करते हैं, ये क्वालिफाइंग रहेगा, राइट। क्वालिफाइंग कितना क्वालिफाइंग रहने वाला वो भी यहाँ पर, जन अनरिजर्व और EWS वालों के लिए कितना है, ST के लिए कितना रहने वाला, वो सारी डिटेल आप नीचे जो है नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं डिटेल में, ओके। तो अगर हम बात करते हैं अब Stage 2 की, अगर आपने जैसे ही Stage 1 कंप्लीट कर लिया, अब Stage 2 में आप जाते हैं तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, इसको बोलते हैं CBT 2 बोला जाएगा, और ये जो रहेगा
टू पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में ये डिवाइड कर रखा है। कैसे डिवाइड कर रखा है उसको ध्यान से देखिएगा। फिर मैं बताऊँ टोटल दोनों पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे 30 मिनट है। टोटल क्वेश्चन जो है 175 रहेंगे। इसमें जो पार्ट वन है उसमें 90 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए और 100 क्वेश्चन हैं। कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा पार्ट बी जो में जो है वो 60 मिनट आपको दिए जाएंगे और 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट, 60 मिनट के अंदर अंदर। और इसमें भी नेक्स्ट मार्किंग जो रहेगी आपकी 1/3 जो रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा। पार्ट ए में मतलब CFT2 जो कंप्यूटर बेस होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई लिखना नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको टिक करना है, राइट। इसमें से तो पार्ट ए में जो आपका रहने वाला है तो मैथमेटिक्स में और जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से, मतलब इन्हीं चार टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 100, मार्क्स भी उसके क्या होंगे आपके 100 इसलिए। और इसमें जो टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन करना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही इसमें रखी गई है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पार्ट टू, जैसे आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो इसके मार्क्स जुड़ेंगे, जितने अच्छे आप इस सीबीटी टू के पार्ट वन में मार्क्स होंगे वो आपके काउंट होंगे, सीबीटी वन का जो मार्क्स वो काउंट नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो सिर्फ क्वालिफाइंगे सीबीटी टू में एंटर करने के लिए, राइट। तो इसमें जो है जो भी ट्रेड आपने फिल किया होगा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेड डालना होगा, जिस भी ट्रेड को आपने डाला होगा उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और वो क्वेश्चन कितने रहेंगे? 75 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनट जो है दिए जाएंगे आपको 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 आपको ही रहेगी, राइट। तो 75 क्वेश्चन 75 ही आंसर रहेंगे, राइट। ये भी आपका क्या रहेगा? क्वालिफाइंग रहेगा, बट इसमें भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे सीबीटी टू जो है आपका पार्ट ए और पार्ट टू दोनों के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप आगे जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, मतलब आपका सिलेक्शन होगा। फिर डॉक्यूमेंट के होने के बाद आप जो है मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप एंटर करेंगे, फाइनली आपको क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर, राइट। तो पार्ट बी में जो है आपको, पार्ट बी जो रहेगा इसका, पार्ट बी में आपके क्या क्या आने वाला, तो जैसे मैंने बताया पार्ट बी में जो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जो आपकी रहेगी इनमें से, राइट, उसी से रिलेटेड, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो उससे पूछे जाएंगे, वायरमैन है या आपने ITI वायरमैन से कर रखी है उससे, आमचर या फिर आपका कॉइल वाइंडर है, आप चाहे कॉइल बांधते हैं उससे, रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग से उससे पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है आप, मैकेनिक मतलब रेडियो और टीवी के हैं तो आपको वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिटर की ITI आपने कर रखी है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैकेनिक मोटर व्हीकल से कर रखा होगा आपने ITI तो वहां से पूछेंगे, ट्रैक्टर मैकेनिक से अगर कर रखा तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैकेनिक डीजल से तो वहां से पूछा जाएगा, टर्नर से, मैकेनिक से, रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशनर, जिससे भी आपने फॉर्म फिलअप करती बार फॉर्म भरा होगा ट्रेड उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75, राइट। मेरा बोलने का मतलब ये है, राइट। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे वाले पार्ट में। इसमें क्या रखा गया है कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द स्टेज। ये वो था जो पार्ट ए में, जैसे मैंने बताया 100 मार्क्स जो आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर अगर आप उनको क्या कर देते हो, उनको अगर आप क्लियर कर देते हो, वहां से अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तभी आप पार्ट टू में जा सकते हैं, राइट। क्वालिफाई तो 35 ही रहेगा, राइट, बट मार्क्स आपको मैक्सिमम लेने होंगे, राइट। अब देखा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मात मैंने तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो है एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है, मतलब जो आपका सीबीटी मतलब पार्ट ए, वैसे होता है पार्ट ए पार्ट टू में आप जाएंगे, राइट। बोलने का माना, बोलने वाली बात है कि ALP की जितनी भी वैकेंसी, जैसे 5000 आपके 696 पोस्ट हैं, वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इस बार बोला है कि कम निकाली गई, तो उससे 8 टाइम लिया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी उससे 8 गुना जो है बच्चों को सीबीटी जो लिया जाएगा सीबीटी टू में एंटर करवाया जाएगा, राइट। इसमें अगर बात करी जाए तो सीबीटी वन में जो है आप लैंग्वेज को कर सकते हैं कि मुझे किस लैंग्वेज में देना, राइट। आप इसमें से मोर देन 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो रखी गई हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज भी उसमें से एक है, राइट। तो एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी इंग्लिश रहेगी सीबीटी वन के लिए। सीबीटी टू के लिए
जो रहेगा वहाँ पर आपको वहाँ पर भी लैंग्वेज का ऑप्शन दिए जाएंगे, पर ये होता है सीबेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा, जो आपका मैंने बताया पार्ट टू है, वहाँ पर दो ही लैंग्वेज होंगी, राइट। दो लैंग्वेज क्या होंगी, वो होगी आपकी हिंदी और इंग्लिश, वही जो रहेंगी यहाँ पर आपकी एग्जाम की जो लैंग्वेज रहने वाली है, राइट। तो इस तरह से ये जो रहती हैं वैकेंसीज हैं जहाँ पर आपका मैंने एग्जाम के बारे में आपको बताया, और इसके अलावा और क्या चीज़ रहती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की तो स्पेशली जो रहते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट jnr.com पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर हम आपको पेपर देने वाले हैं CVT 1 जो आपका है। CVT 1 में लगभग 77 पेपर्स हैं हमारे ऑनलाइन पढ़े हुए, जिस तरह से आप ऑनलाइन देंगे वैसे ही वहाँ पर बना हुआ। CVT 2 में जो पार्ट ए है उसके 30 पेपर्स हमारे पास बने हुए हैं, वहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। और पार्ट बी में आप जो है लगभग हमारे जो है पार्ट बी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो टेस्ट जो रहेगा उसके लगभग 22 पेपर हमारे पास है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स से अलग से सेक्शन के पेपर दिए रखे हैं, इसके अलावा रीजनिंग के अलग से हैं, करंट अफेयर के अलग से हैं, साइंस के अलग से हैं, तो सेक्शनल टेस्ट भी देखें कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी शो यू, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये रहने वाला है, ठीक है। लेट मी शो यू, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वेट कीजिएगा, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, राइट। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जैसे मैंने बताया आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट jnr.com, और .in भी हमारी है, पर .com पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जब आप सर्च ऑप्शन पे डालेंगे, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं ऑप्शन पे डालते हैं तो आप RRB करके डालते हैं तो वहाँ पर आपको नीचे लिख करके आ जाएगा RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ टेस्ट जो है वो फ्री रखे गए हैं ताकि आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर कैसा आया है, किस तरह से है, किस तरह से रहेगा। तो ये मॉक टेस्ट 1 है जिसमें आपके 77 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप फोन से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको इसके अलावा जो रहता है पार्ट 2 के भी यहाँ पर पेपर है। CVT जो सेकेंड होता है पार्ट ए उसके क्वेश्चन मैंने बताया जैसे 30 हैं, फिर पार्ट बी के यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं, राइट। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट रखे गए हैं जैसे मैंने बताया। तो सारे के सारे जो है इनका प्राइस जो रहने वाला है, तो आप यहाँ पर से जैसे ही अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जा करके बाय कर सकते हैं। चाहो तो आप इनको जो है आप मंथ वाइज एक महीने के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करने होंगे। आप 3 मंथ के लिए ले सकते हैं, 6 मंथ के लिए ले सकते हैं, 1 ईयर के लिए ले सकते हैं। आपको यहाँ पर से ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसको इनको पेपर्स को ले सकते हैं, राइट। तो मिनिमम जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर से, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 99 रुपीज पर मंथ है। बट अगर आप 3 मंथ की 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा और भी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसी तरह से ये हमारा एक आज का जो रहता है दैट इज कॉल्ड वीडियो है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पे पहली बार आए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन स्टूडेंट के साथ जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं पर जॉब्स नहीं हैं। क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किया हुआ ये वीडियो, आपकी शेयर किया हुआ ये वीडियो उनके लिए एक मौका हो सकता है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उनको ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।